जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो निस्संदेह हमारे धर्म से जुड़ी है, ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई है और जिसके संदर्भ में आप सबको ज्ञान अवश्य होना चाहिए। दर्शकों, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर कई सारे पूजा पद्धति के विधान दिए हुए हैं, अनेकों देवी देवताओं के आवाहन का तरीका दिया हुआ है, अनेक ईश्वरीय शक्ति को मानने का तरीका दिया हुआ है। यहां तक कि हम भगवान शिव को माने, भगवान विष्णु को माने, किसी दिव्य शक्ति को माने, किसी अवतारी पुरुष को माने, भगवान राम को माने, भगवान कृष्ण को माने, हनुमान जी को माने, गणेश जी को माने, माँ दुर्गा को माने, यज्ञ हवन करें या निराकार को माने, हमारे इतने सारे तरीके सनातन संस्कृति के अंदर दिए हुए हैं, जबकि इसके विपरीत किसी भी और धर्म के अंदर और संप्रदाय के अंदर इतनी विविधता तो छोड़िए, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। यानी उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करना है, उसके दाएं बाएं उनके पास कुछ भी नहीं है। दर्शकों, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, केवल उदाहरण दे रहा हूं। क्या इस्लाम के अंदर नमाज के अलावा या अल्लाह के अलावा कोई और तरीका है? नहीं है। ईसाइयों में भी नहीं है, सिखों में भी नहीं है, जैन में भी नहीं है, बौद्ध में भी नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति के अंदर है, हिंदू धर्म के अंदर है। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर इन सबको मानने वाले, अलग अलग तरह से मानने वाले, फिर भी हम एक हैं। यानी कोई भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले का राम को मानने वाला विरोध नहीं करता है। कृष्ण का जन्म उत्सव भी मनाते हैं तो राम नवमी भी मनाते हैं, दुर्गा अष्टमी भी मनाते हैं, नवरात्रि भी करते हैं तो गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं, हम गुरु पूजा भी मनाते हैं तो हम चांद की पूजा भी करते हैं, हम सूर्य को अर्घ भी देते हैं तो हम पेड़ों की पूजा भी करते हैं। ये इतनी सारी विविधताएं इसलिए हैं क्योंकि हमारा इतिहास लाखों वर्षों का है, और लाखों वर्षों के इतिहास के अंदर जब जब इस धरा पर जिस तरह की संस्कृति रही, सभ्यताएं रही, धर्म रहा, धर्म को मानने वाले लोग रहे, उसके आधार पर हमें क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हमें। और यही कारण है कि इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी हम मूल से एक ही हैं, यानी कि सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। हम जब निराकार की बात आती है तो उस निराकार परमात्मा को मानते हैं, और जब साकार की बात आती है तो हम इन विविध रूपों को मानते हैं। जब अवतार की बात आती है तो हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, जब ज्ञान की बात आती है तो हम वेदों को मानते हैं। इसीलिए दर्शकों, इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखता हूं। मैं कह रहा हूं इसलिए आप मेरी बात को माने, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, लेकिन सत्य है वो आपके सामने रख रहा हूं, आप इसलिए मानिए। हमारे शास्त्रों के अंदर 18 पुराण है। पुराणों की रचना कब हुई, कैसे हुई, इसके संदर्भ में आप लोग जानते होंगे। 18 पुराण है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये 18 पुराण कब कब लिखे गए? इनका समय, इनका कालखंड भी अलग अलग है। यानी इन पुराणों को लिखने के समय के अंदर भी, इसके अंतराल में भी एक बहुत लंबा बड़ा समय है। लेकिन जब आप इन पुराणों को पढ़ना आरंभ करते हैं तो आप ये पाते हैं कि इन सभी पुराणों के अंदर इनके रचयिता वेद व्यास जी। तो एक प्रश्न आता है मन के अंदर कि अगर वेद व्यास जी रचयिता हैं तो क्या वेद व्यास जी की आयु इतनी बड़ी थी कि उन्होंने 18 पुराण लिख दिए और इतने वर्षों तक वो जीवित रहे? तो दर्शकों, इसी बात को समझ लेंगे तो आपको सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म समझ आएगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति एक पद है, आपको जब कोई एक लेटर मिलता है भारत के राष्ट्रपति की तरफ से तो उस पर लिखा होता है भारत के राष्ट्रपति और नीचे सिग्नेचर होते हैं।
वो सिग्नेचर किसी के भी हो सकते हैं, वो अब्दुल कलाम साहब के हो सकते हैं, वो रामनाथ कोविंद जी के हो सकते हैं, वो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के भी हो सकते हैं, लेकिन उस पत्र की ताकत समान रहेगी क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया है। इसी तरह से जब हमारे पुराणों की रचना हुई उस समय पर, उस कालखंड में जो भी सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो इस संसार के लिए पुराणों का निर्माण करें, कुछ ऐसे दिशा निर्देश उन्हें दें जिससे उनका जीवन बेहतर बन सके, बेहतर चल सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उनकी शंकाओं का समाधान हो सके और उन्हें एक सही मार्ग मिल सके। और इसीलिए ये कार्य जो उस समय पर करते थे उन्हें वेद व्यास कहा जाता था। गणेश जी ने भी बहुत समय तक वेद व्यास जी की भूमिका निभाई है। ऐसे में अलग अलग कालखंड के अंदर अलग अलग लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई और इसीलिए हमारे सभी पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी रहे हैं। यानी वहां व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है कि ये इन्होंने लिखा, बल्कि सार्वजनिक तौर पर यह कहा गया कि इनके रचयिता वेद व्यास हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यहां उनका व्यक्तिगत पद नाम नहीं दिया गया बल्कि पद दिया गया। और यही कारण है कि इतने लाखों वर्षों के पश्चात भी हम इस धीरे धीरे हो रहे परिवर्तन को स्वीकार करते आते हैं। और यही कारण है कि समय समय पर विविधताएं जो हमारे साथ आई हमने उसे स्वीकार किया और जो वर्तमान में प्रासंगिक है हमने उसे सबसे पहले स्वीकार किया। इसलिए भगवान राम के जन्म से पहले हम किसी और देवी देवता के आवाहन का तरीका मानते थे, भगवान राम के पश्चात हमने भगवान राम को स्वीकार किया और भगवान कृष्ण के पश्चात हमने भगवान कृष्ण को स्वीकार किया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया तो हमने भगवान राम को उनको विस्मृत नहीं किया, उन्हें भूले नहीं, बल्कि उन्हें भी हमने सहजता के साथ अपने जीवन के अंदर स्वीकार किया। इसीलिए हमारी संपत्ति, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति और विशाल होती गई, क्योंकि हर युग के अंदर हमारे इस धर्म के अंदर कुछ जुड़ता चला गया, कुछ अलग नहीं हुआ। इसीलिए विविधताओं में एकता जो हम ये देखते हैं, ये लाखों वर्षों का एक कालखंड का परिवर्तन है जिसे हमने धीरे धीरे अपने जीवन में स्वीकार किया है। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो महादेव थे, फिर रचना हुई तो ब्रह्मा जी हुए, फिर उसकी पालना हुई तो भगवान विष्णु आए, फिर सतयुग आया तो प्रहलाद आए, फिर त्रेता आया तो भगवान राम आए, द्वापर आया तो भगवान श्री कृष्ण आए और कलयुग आया तो इसमें भी एक भक्ति काल आया जब हमने मीरा को, सूरदास को और इन महान दिव्य आत्माओं को भी स्वीकार किया। इसीलिए दर्शकों, अगर कोई ये कहता है कि आप इतने लोगों को मानते हैं तो उन्हें कहिए कि वंशावली उनकी होती है जिन्हें ये पता होता है कि उनके वंशज कौन है। जिन्हें ये ही ना पता हो कि वो कहाँ से आए हैं तो वो अपनी वंशावली क्या दर्शाएंगे। इसीलिए ये हमारी विविधता, हमारी वंशावली है, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति की वंशावली है और इस वंशावली पर हमें गर्व होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।